ले बेटे हो गया गड़बड़। ब्लड सकर स्लो है मेरी गन, मेरी गन टॉस वाली तो बहुत तेज थी भाई। तुम्हारी गंजाम हो गई। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बाबा डुक और आज बाबा डुक खुश हुआ भाई ये जान के कि इतने प्यार करने वाले लोग हैं मेरे पास। इतनी साल मेहनत करके हमने ये कमाया, आप लोग कमाया भाई, इतनी सपोर्ट मिली, दिल से शुक्रिया। पिछले वीडियो पे आपने जो कमेंट करके भाई दिल जीत लिया ना, मैं बता नहीं सकता आपको, बहुत ज़्यादा मज़ा आया भाई, दिल से शुक्रिया। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने दो गेम डिसाइड किए, एक खेलेंगे हम स्टॉकर 2 क्योंकि भाई ये गेम बिल्कुल नया है, अभी आया, परसों तरसों ही आया है और भाई इंडिया में ये कोई नहीं खेलने वाला क्योंकि ये गेम सबके बस की बात नहीं है। डिफ़िकल्ट गेम है, थोड़ा सा चैलेंजिंग गेम है, तो बहुत कम लोग ये खेलने वाले हैं, तो अपने पास काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है ये गेम खेलने के लिए। दूसरा गेम हम खेलने वाले हैं नो मैन्स स्काई, नो मैन्स स्काई कल आ जाएगा, एक दिन एक गेम, एक दिन एक गेम, दोनों पार्टी खुश रहेगी वहाँ। तो भाई इस गेम में ये है, हम एक स्टॉकर हैं, स्टॉकर की ज़िंदगी में क्या होता है भाई, तीन काम करने होते हैं स्टॉकर को, एक्सप्लोर, हंट और सर्वाइव। हम क्या कर रहे हैं, हम जिस एरिया में हैं, हम एक न्यूक्लियर पावर प्लांट, एक जोन में है जहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट ब्लास्ट हो गया, उस ब्लास्ट के चक्कर में जितने भी आसपास जानवर वानवर थे वो जॉम्बीज में कन्वर्ट हो गए, वो म्यूटेट हो गए, वो भूत भात बन गया भाई, अजीब अजीब से क्रीचर्स बन गए, प्राणी बन गए और हमारे को लूटने पूटने आते, लूटने पूटने नहीं आता, हमें सीधा खल्लास करने के लिए आते, हमें कोशिश करनी है उनसे बचना है। और इस गेम में लेवलिंग नहीं होती, अगर आपको सर्वाइव करना है तो भाई आपको बेटर गेयर चाहिए और बेटर गेयर के लिए आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, हंट करना पड़ेगा, अगर किसी के पास बेटर गेयर होगा अपन उसको चटका चुटकू देंगे, जैसे कि ये हमें पिछली बार मिला था पिछले एपिसोड में इसको हमने बचाया था, इसको बचाने के चक्कर में हमें आर्टिफैक्ट्स मिले थे। आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं, आर्टिफैक्ट्स आईसी करके टोटम टाइप होते हैं, इनको हम अगर ऐसे करके इक्विप कर लेंगे तो ये आर्टिफैक्ट अभी मुझे बता रहा है थर्मल प्रोटेक्शन दे रहा है अगर मैं इसको इक्विप करके रखूंगा, बट साथ साथ ये मुझे रेडिएशन भी दे रहा है, तो मैं अभी इसको इक्विप नहीं करके रखूंगा, इसको हम अपने बैकपैक में डाल लेंगे। अपने पास इतनी सारी गन्स हैं, हमारे पास पिछले एपिसोड में सप्रेसर आ गया था, अब हम आराम से फाइट छुप छुप के ले सकते हैं। अपने पास MP5 आ चुकी है, अपने पास AK, ये भाई आवाज़ आई कहीं से, AK आ चुकी है और अभी हमें मिशन मिला गया है, ज़ेलिसिया करके एक टाउन है वहाँ पहुँचना है, क्योंकि पिछली बार पिछले एपिसोड में हमको साला एक सोल्डर करके नाम का एक वो था जिसने हमें धोखा दे दिया। ए बेटे यहाँ कहाँ पे है वो, तुम कुछ तो है यहाँ, बेटे नीचे गिर गया, नीचे नहीं गिरना था। हाँ जी, सोल्डर नाम का एक बंदा है जिसने हमको धोखा दे गया और हमारा सामान ले गया है, कुछ हमारा एक आर्टिफैक्ट है जिसको हम रिचार्ज करने के लिए घूम रहे थे। ए भाई गलत जगह नहीं जाऊंगे। ओ रात को कुछ दिखा भाई, रात को कुछ तो दिखा लोड होता हुआ, नहीं यहाँ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। हमें जल्दी से एक काम करना है, हमें उस तरफ पहुँचना, और उस तरफ पहुँचने के लिए हर एक छोटा घर आप लोगों ने मुझे बोला है लूटने के लिए, तो अपन आ गए लूटने के लिए, लेकिन कहीं कहीं पे कुछ चीज़ें हों जो मिलती नहीं है, बट हाँ जनरली मैं समझ गया भाई गेम आ गई है अपने को खेलनी। ये देखो अपने को एक शायद पानी की बॉटल मिल गई है और पानी की बॉटल के साथ इधर शायद एक चिरांत पड़ा हुआ है, इसको ज़रा लूटते हैं। इस चिरांत के पास हम अपने को बैंडेजेस मिल गए, हमें हल्लू अपन पीली वाली ले जा सकते हैं, लाल वाली हम किसी काम की नहीं है, लाल वाली बिल्कुल ब्रोकन हो चुकी है और गेम भी शायद ब्रोकन हो चुकी है, इसमें एकदम सा साउंड सुन चली गई है, वहाँ म्यूजिक आ रहा था खतरनाक सा, बट गेम अर्ली एक्सेस में, गेम को हम टाइम देंगे। हाँ जी, सो गाइस हम जा रहे हैं अपना पहला टाउन में पता करने के लिए सोल्डर जो साला हमें धोखा देके गया, हमारा आर्टिफैक्ट लेके गया है उसके बारे में। और गाइस वेलकम टू ज़ेलिसिया, अपन आ रहे हैं भैया। इस गेम में हमें बहुत सारे मिशंस करने पड़ेंगे, जैसे जैसे हम मिशंस करेंगे हमें सामान मिलेगा, वही सामान हमें गेम को आगे कंप्लीट करने में मदद करेगा। ए बीडी कहाँ को हो तुम, ये देखो भाई खतरनाक। अब हम यहाँ से भाग लेंगे, ये बीच बीच में यहाँ ऐसे ड्रामे होते रहते हैं, हमें ड्रामों में क्या करना, हमें ऐसे बोल्ट फेंक के मारना तो ये ड्रामा रुक जाएगा और फिर हम वहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन हमें बहुत कम टाइम मिलता है। हाँ जी हल्लू
हल्लू हल्लू, ये फ्रेंडली है बट अगर मैं बंदूक से इनको चटका दूंगा तो मेरा मुरब्बा निकाल देंगे ये। हमें जितना हो सकता है उतना दोस्त बना के रखने हैं इस गेम में। स्टार्टिंग में हम आए हैं यहाँ पे पता करने के लिए सोल्डर के बारे में। हमें बोला गया था बार में जाके पता करो। I'm looking for Solder. Solder, Solder नाम है उसका। Talk to Gaffer. That's him over there. और choices बहुत important हैं इस गेम में। Choices पूरी स्टोरी बदल देती है। Sit down and stay out of sight. Three of my men never reported back from their overnight patrol around the lesser zone. We found their bodies by the old bridge. Hey, soldier, over here. What do you call? मजे ले रहा। Three dead wardens up the zone's ass. A good start. Liberty. A traitor who goes by Hamster is peddling this service weapon. It belonged to one of those wardens. He got it from Squint. Apologies, Captain, but Zalicia is a free trade zone. We have an agreement with Korshinov. Where is Squint? The zone has its share of secrets. Who are we to meddle in its designs? So, abhi ye ek banda hai Squint, usko bachane ki koshish kar raha hai. Fine. Squint was there for sure. He finished off the wounded and looted their bodies. Oh. Is that the stalker way now? Oh, मुझसे पूछ रहे हैं अगर इसकी टीम में जाऊं या उसकी टीम में जाऊं। मैं कह रहा हूं तुम दोनों ही भाड़ में जाओ भाई। मैं कौन होता हूं? क्योंकि अभी हमें पता नहीं है दोनों के बारे में। बट हाँ, इसमें साइड अगर आप ले लोगे तो फिर गेम बिल्कुल ही अलग हो जाता है। Nobody's going anywhere. If you don't want the innocent to suffer, find me the culprit. भाई ये मिलिट्री साइड है, ये सिविलियन साइड है। अभी जो है स्क्विंट करके एक बंदा है जो कि बड़ा चिरांदा, उससे मैं मिल चुका लेकिन मैं आपको कम बताऊंगा। Well then, in times of war, the law falls silent. ओ बहुत जबरदस्त गेम है यार। तो ये पता करने आए थे स्क्विंट के बारे में। स्क्विंट पता है कि तुमको? अच्छा अच्छा, थम जा, तुम्हारे सर पर फेंक के मार दूंगा। तो स्क्विंट के बारे में पता करने आए थे, हमने बताया नहीं उनको। हमने बोला भाई ना मैं तुम्हारी सी साइड हूँ ना मैं उसकी साइड हूँ। हाँ भाई, तुमको पता है कि सॉल्डर के बारे में? This maniac's gonna drink all my vodka in the street. If anyone asks, I'm at home and busy. Anyone at all? Anyone. Don't buy into that whole dog and pony show, rookie. थोड़ा सा डायलॉग्स इसके हल्के से बोरिंग हैं, बट बहुत कम डायलॉग्स हैं, ज़्यादा डायलॉग्स नहीं हैं गेम में। The captain prefers a more diplomatic approach. अरे मेरे को तब वो बता दे यार, सोल्डर कहाँ है? Who should I ask about Solder? Solder, Solder. हम Solder ही बोलेंगे उसको। The ward can find anyone you want as long as you can cut a deal with them and you're okay with their methods. Or you could ask Gaffer. Just give him some time to get to his house. He's an easygoing guy. He usually helps rookies out, but he's had to deal with a year's worth of crap today. See ya. Good luck. First drinks on the house if you need it. And I get the feeling you're gonna need it. ठीक है जी, अपन इससे पूछते हैं। सोल्डर के बारे में पूछा, इसने बोला कि उन लोगों से पता करो और कोई डिसेंट जॉब है क्या तुम्हारे पास? Got anything good? You still smell like the mainland, tough guy. क्योंकि इसमें साइड क्वेस्ट ही है भाई, जो मिशंस देती हैं नए नए टाइप के। Kind of like you. Owes me some coin. His name is Valik Lux. Oh. I need my money back. चलो जी, हम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, हम कहेंगे भैया हम कर सकते हैं, वो हम कर लेंगे। Just a couple of hours ago, he headed north towards the water tower. I don't want his blood on my hands. Just scare the kid, shake him down, and get my money, and that's it. 20% is yours. चलो जी, पहला टास्क हमें मिल गया है। इस गेम में ऐसी है कि हमें टास्क टास्क मिलते हैं और हम एक काम करते हैं, अगर हो सकता है हम दिन करने की कोशिश करते हैं। गेम हमें एक फ्री का कुछ देती है, कहाँ पर ये फर्स्ट ड्रिंक कहा था इसने कि फर्स्ट ड्रिंक ऑन मी।
फर्स्ट ड्रिंक हम यहाँ से उठा लेंगे। ये हमने उठाई, यॉइन की और अपन यहाँ से निकल गए। हमें मिशन मिला है। हल्लो, ठीक है, ये हमें बता रहा है, ये अभी हमें मिशन दे रहा है। मिशन में हम पूछते हैं इससे, मैंने गलती से जल्दी बटन दबा दिया, बटन जल्दी नहीं दबाना था, एक बार इसकी बात सुन लेते हैं। First, I want to know what the catch is. There's no catch. I owe Gaffer money. So I've been working off my debt by helping rookies with advice. ये हमें एडवाइसेस दे रहा है, ये हमें टेक्नीशियन के बारे में बताएगा। Nice. चलो भाई, ठीक है, बोर मत करो, हमें गेमप्ले दिखा दो। वेरी नाइस। इसने हमें अभी बताया है ट्रेडर के बारे में कि ट्रेडर हैं इस गेम में, टेक्नीशियंस हैं इस गेम में। थोड़े से डायलॉग्स लेंदी हैं, बेफालतू हैं, तो मैं स्किप कर दूंगा यार। हम इधर को चले। ये बताओ भाई, जब आप थोड़ी सी खेल लेते हो ना, आपको समझ आ जाती है कि गेम में कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, और मैं आप बहुत बढ़िया तरीके से समझा सकता हूँ। Find yourself some other dope willing to march into certain death. Very nice. Yeah, आपस में मिशन के बारे में बात कर रहे हैं, उसका मिशन करना नहीं चाह रहा। अपन को भाई दिन करा दो, अपन को लेना देना नहीं, अपन दिन करेंगे मस्त, और फिर जाएंगे पहला मिशन करने के लिए। या तो हमने रात कर ली शायद दिन से, एक बार चेक कर लेते हैं। और एक बार चेक करा दो, शायद दिन हो गया, प्रॉपर दिन हो गया, और प्रॉपर दिन के साथ हमें भूख भी लग गई। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया दिन निकला है। अरे आ रहे हैं चाचा, पहले हम एक मिशन करेंगे, एक टाइम पे हम एक मिशन करते हैं। ये हमें कोई जॉब दे रहा था, डिफिकल्ट जॉब है, वो हम बाद में करेंगे। अभी के लिए मुझे लग रही है भूख, और भूख के लिए मेरे पास खाना नहीं है। एनर्जी ड्रिंक क्या करता है? एनर्जी ड्रिंक हमारा स्टेमिना यार कम ही देता है, हमें खाना कम देता, बट हम कर लेंगे इससे। हमने सर्वाइवल गेम है, खाने पीने पर ध्यान देंगे, और खाने पीने के ध्यान के साथ हम अपना पहला मिशन करने जा रहे हैं यहाँ आगे से। राइट है भाई, ऐसी ही करके इसमें मैप देखना पड़ता है, और मैप देखेंगे तो जाके हमें समझ आएगा कि जाना कहाँ है। धीरे धीरे करके स्टार्टिंग एरिया में काइंड ऑफ ट्यूटोरियल्स वाले टास्क चल रहे हैं, लेकिन मज़ा आएगा। अपने को पहला मिशन करने के लिए आए, और पहला मिशन है हमें क्या करना है, ये जो वॉरलॉक था बार में, उसको पैसे देने हैं, किसी से पैसे लेने हैं। वो कह रहा है कि वो किड ने मेरे पैसे ले रखे हैं, और उसको डरा के धमका के आ जाओ, मेरे पैसे दे दो भाई। हेलो, अंदर है, और ये बैंडिट्स आ गए। Hey you, loner, come and help some good fellows make yourself useful. A dude who likes free stuff, Valak Lumos, barricaded himself in that shack, owes me a big pot of dough. And instead of playing me off, he's poking me with a gun. इसको भी पैसे देने। Would you calm him down? Make him tell you where his stash is. Got it? Cause I'm about to have a fucking meltdown. ठीक है भाई, अपन इसको इसको कहते हैं भाई, ताऊ तो चिल कर, अपन कर लेंगे। Good boy. Door or Lumox will blow your head off. There's a hole in the wall where the tower is. You two will have to chat through it. इसकी टोन सही नहीं लग रही मुझे। Because I say so. No funny business, loner. You don't want to piss me off. ठीक है भाई, इसने हमें बोला है कि इसको भी पैसे चाहिए, और जो बंदा है जो पैसे देने वाला है वो अंदर है, और अंदर है एक बार जरा आए हैं, चाक करके तो जाऊंगा, लूट के तो जाऊंगा। कुछ पड़ा है? कुछ तो पड़ा है भाई, क्या पड़ा हो तुम? नाइस, हमें एक शायद सोडा मिल गया, सोडा के साथ इधर का हो गया। ये दरवाजा खुलता है, दरवाजा खुलने के साथ साथ हम इधर आए। हल्लो, इतना सारा तुमने यहाँ पे आई से कैसे कर रखा है? अभी चटक जाते हैं। लेट्स गो, जल्दी से ये लूटेंगे, लूटने के बाद वापस से इसको रीसेट करेंगे और यहाँ से निकल लेंगे। अब इस सब तरफ बात बात तो कर लें भाई। ए भाई, ए मेरे को उड़ा मत दीजो। हल्लो, ये वो बंदा है जिससे हमें पैसे लेने हैं। इसको अभी हम थ्रेटन भी कर सकते हैं या हम जा भी सकते हैं, लेकिन हम इससे बात करेंगे। I just want to talk. Are you nuts, man? I'm kind of busy here, you know. If I drop my guard for a second, these thugs will do me in. If I'm going down, I'm taking at least one of them with me. सही बात है, ये कह रहा है भैया आई से नहीं चलेगा। हम इससे पूछते हैं, हम इसको बताते हैं कि वॉरलॉक ने भेजा भाई मुझे। Are you kidding me?
Fine, get in line. It's not like you can kill me twice. You want me to pan back? All right, listen up. The stash is at the water tower, at the very top. You'll know what to do once you're up there, hopefully. Don't get into an anomaly on the way. Whoa, he's spilling the beans. Are you scared of heights, Loner? Nah, I don't give a damn. Get up to the tower and grab the stash, now. ये ऑर्डर दे रहा हमको भाई, ऑर्डर तो नहीं लेते यार हम। देखो अभी अभी मैंने ना सप्रेस्ड गन निकाली है, ठीक है जी। सप्रेस्ड कहाँ है ये वाली सप्रेस्ड? अगर मैं ऐसा करूँ और ऐसा करके ऐसा तो हो गया गड़बड़। ले ली हमने पंगा, ले ली लेकिन हम भी भाई बाबा डुक एक और है। अबे ग्रेनेड फेंकता है मारा मुंह पर ग्रेनेड फेंका और उसी के साथ साथ भाई अपना सप्रेसर वाला बढ़िया है, सप्रेसर वाली गन बढ़िया है। हमें ब्लीडिंग हो गई, हमने ब्लीडिंग रोकी लेकिन रुकी नहीं। एक बार फिर से रोकने की कोशिश करते हैं। बड़े तेरे को बचा लिया हमने। I'm screwed. Either I pay off all my debts or I gotta leave the lesser zone for good. ठीक है जी, इससे बात करके देखते हैं भाई। I owe you. अब मेरे को वो पैसे दे दे। Pay up your debt to Warlock first. He promised me a cut. Well, I was going to pay him back, honest. Now, fair enough. That's the right thing to do. Done. चलो जी। Send the coupons, both yours and Warlock's. सही बात है। हमें पैसे मिल गए। इसने Warlock को पैसे भेज दिया। अगर शायद उससे बात करेंगे तो हमें पैसा मिल जाएगा। उसका आ गया Warlock का मैसेज। अब हम इनकी टीम में भी जा सकते थे, बैंडेट्स की टीम में भी जा सकते थे। हम बैंडेट्स की टीम में भी जा सकते थे, लेकिन whatever, I'm not going back to that bar. So long, stalker. See you around. See you. लेकिन हमको भाई उसकी टोन पसंद नहीं आई। इसने टोन अच्छे से बात नहीं की। अगर ये अच्छे से बात कर लेता मुझसे तो मैं चटकाटा वटकाटा नहीं अपना का। लेकिन माल मिल गया, बहुत ज्यादा माल मिल गया। माल के साथ सारा लपेट लो, आया हूँ सब कुछ लेकर जाऊंगा। क्योंकि ए भाई जबरदस्त गन मिल गई, लेकिन ये पूरी टूटी हुई है। चक्कर ये है कि हम ना लाल वाली गन्स को ना बेच सकते ना कुछ कर सकते। और जो इसकी वो है भाई, एक एक अच्छा इतने सारे है, ड्रॉप ऑल कर दो। ठीक है भाई, हमने ये सारा फेंक दिया क्योंकि इसमें वो है वेट सिस्टम है, हम ज़्यादा कैरी नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ लाल वाली जो ब्रोकन है ना, वो कोई वेंडर खरीदता और बहुत जल्दी उसमें रिपेयर करवानी पड़ती है, मतलब ड्यूरेबिलिटी का हिसाब किताब है, वो चलेगी नहीं। इसने हमें एक आइडिया दिया है, इसने हमें बताया है कि स्टैश जो है, जो ये लूटने आए थे वो इस टावर पे थी। और उसने मेरे को बोला था, धमकी दी थी कि जा उसको लेके आ और मुझे दे। मैंने उसको चटका दिया, अब ये स्टैश हमारी हो जाएगा भाई। अब ज़रा चेक करते हैं इसमें क्या मिलेगा। चॉइसेस मैटर है, देखो हमने उसको चटकाया तो स्टैश मेरी हो गई। अगर मैं उसके साथ रहता तो माइट भी पता नहीं शायद कुछ और मिलता। पर अपने को उसकी टोन पसंद नहीं आवा बिल्कुल भी। उसी के साथ अपने को पहली स्टैश मिल गई। हेलो, लेट्स गो भाई, सारा आ जाओ भाई, सारा का सारा माल आ जाओ। और उसी के साथ हमें भाई पहली स्कोप गन में, वही हाय हेलो जबरदस्त बढ़िया। बट स्कोप गन है, इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रो बन गए। हमें अपने शॉट्स लैंड करने पड़ जाएंगे, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पिस्टल भी उतनी ही ज़्यादा पावरफुल है अगर हमने अपने शॉट्स लैंड करा दिए जितनी एक स्कोप वेपन। बट हाँ, स्कोप वेपन में हम थोड़ा सा दूर से और रेंज से खेल सकते हैं। भाई क्या हो रहा है, ऐसा म्यूजिक क्यों दे रहे हो? एक चीज़ और मैं देखना चाहूँगा यहाँ कि क्या कोई एनोमली है क्या यहाँ आसपास? अच्छा नहीं, अनोमली इसको कहते हैं, ठीक है। ये जो डिफरेंट मतलब कहीं पे ये है क्या बिजली है, कहीं पे भाई वो है जो अभी आपको टॉर्नेडो टाइप दिखाया था, कहीं गैस होती है, कहीं फायर होती है, अनोमली उसको कहते हैं हम। और जी आर्टिफैक्ट कहते हैं हम अनोमली से जो हमें मिलते हैं, जैसे कि हमने एक पिछले एपिसोड में उठाया था, ये है फायर वाला, इसको हम आर्टिफैक्ट कहते हैं जो कि हमें अनोमली से मिलती है। अपन ने यार पहली और दूसरी खेलने की बहुत कोशिश की थी बट कभी मैं खेल नहीं पाता पूरी उसको, थोड़ी थोड़ी सी खेली थी। बट हाँ है वो मेरे पास पहली और दूसरी भी गेम्स जब स्टार्टिंग में आई थी इसकी। इधर क्या पड़ा है, इधर इतने सारे कुत्ते कैसे पड़ा मरे वो भाई, कोई तो मार रहा है इनको।
चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम वॉललॉक के पास चलते हैं और वॉललॉक के बाद जाके उससे पता करते हैं भाई हमारे पैसे वैसे कहाँ, और इतना सामान जो उठाया उसको बेच भी देते हैं। इसमें यही है, पैसे कमाएंगे तो ही हमारा घर चलेगा भाई, बिना पैसों के घर नहीं चलेगा अपना। चलो जी वॉललॉक्स, तब वॉललॉक्स कहाँ पे मिलेगा हमें? वॉललॉक यहाँ पे मिलेगा हमें। एक बार जरा वॉललॉक से बात करें। हेलो वॉललॉक। You know, when I opened this bar, I never expected to see so many folk here. I guess the guys at the Cordon had enough of that gritty toad cedar. Back in the day, it was just me and the gaffer having a drink here. And now look at us. That whole bar full of lone stalkers. If the word stopped bugging us, that'd be awesome. Let's toast to that, huh? I need money. Any word for me? Sure do. I was starting to think I have to go out there myself. Here you go. Take some. चलो भाई अपने पास इतना सारा वो आ गया। ओ एक काम करते हैं, ये आर्टिफैक्ट वाला है ना, गेट आर्टिफैक्ट, ये अभी नहीं करते, ये थोड़ा सा लेट करेंगे क्योंकि मुझे लग रहा है ये कुछ ज़्यादा ही वो हो जाएगा और अभी हमारे पास उतना नहीं है, सामान नहीं है, प्रिपेयर्ड नहीं है। हम सेकंड बेस्ट ले लेते हैं, 800 वाला। हम एक फाइंडिंग पर्सन को his first time in the zone. Can you go find him? Well, please bring back his PDA. ठीक है भाई, अपन कर देगा। I'll do it. हमें bring me back some news. हमें किसी को ढूंढ के लेके आना है और अगर ढूंढ के लेके आएंगे तो 800 मिल जाएंगे जो कि बहुत बढ़िया है। हमें पैसे ही चाहिए भाई, हमें पैसे क्यों चाहिए अब मैं आपको दिखाएगा। हम चलते हैं जरा यहाँ से खोलते हैं। अरे खुल जा सिम। नोट्स वगैरह पढ़े हैं हमने, उठाए। हम चल रहे हैं सबसे पहले अपने ट्रेडर के पास। Where's the ours, the you traders शायद इसमें है, एक बार ज़रा चेक कर लें। नहीं ये तो वही हो गया, ये तो बार हो गया, बार के बाद ट्रेडर इसमें है। ट्रेडर्स द ट्रेडर्स, हल्लू खुल जा सिमसन। खुलने के बाद हम यहाँ आ गए। I've got the best deals in the zone. Ask anyone, guaranteed. I never try to pull one over on the rookies like Sidor does. If anything breaks, it's because you need to take care of your gear. This stuff's not made of steel. Well, except for the things that are. Anyway, show me what you've got. Well, show me what you've got. चलो भाई, ये है हमारा ट्रेडर और इससे अब हम सामान खरीद सकते हैं जो कि जबरदस्त जबरदस्त। ये गन भाई बहुत जबरदस्त है। टॉस, अपने को ये बहुत जल्दी चाहिए टॉस। टॉस से पहले लेकिन हमारे पास ये आ गई है भाई, जो कि मुझे लग रहा है और भी ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। बट फिर भी हम एक काम करते हैं भाई, हम चीज़ें बेचना शुरू करते हैं। एक ये बेच दो, अभी हमें ये नहीं चाहिए। एक काम करो, इसमें से गोली निकाल लो, गोलियाँ निकाल के बेचते हैं गन्स। ए भाई, ए भाई, ओ भाई, आई से कैसे कर रहे हो तुम? इसकी गोली निकाल दो, इसकी गोली निकाल दो, इसकी गोली निकाल दो। अब भाई सारी की सारी बेच दो, तुम भी निकल जाओ और तुम भी बिक जाओ, अपने को नहीं मांगते हो। कितने की बिकेगी भाई? 2978, वेरी वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। और उसी के साथ मैं काम करता हूँ, हम एक ये लेने की कोशिश करते हैं। आप ले एक स्कोप जो कि हमें बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अब इस स्कोप को लेने के लिए हमें 700 का कुछ सामान बेचना पड़ेगा। हम ग्रेनेड बेच देते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि हमें मुझे नहीं लग रहा इतनी स्टार्टिंग में ग्रेनेड की ज़रूरत पड़ेगी। थोड़े से पैसे करने की कोशिश कर रहा हूँ, अब 200 करने हैं। 200 कैसे करें भाई? तुम भी चले जाओ। अब 100 करने हैं। 100 के लिए मैं और क्या बेचूं? कुछ तो बेचना पड़ जाएगा। या तो एक काम करते हैं, इसको अभी नहीं लेते, इसकी जगह हम अपनी गन को रिपेयर करा लेते हैं ये वाली, तो हमें इजी पड़ेगा भाई, वो ज़्यादा बेटर डील रहेगी। 3000, या तो हम ये भी बेच सकते हैं। कितने का बिक रहा है? सीधा सीधा 2000 का। आर्टिफैक्ट बेच दूँ क्या? फायर में जाने में काम करेगा, लेकिन ये अभी नहीं बेच रहा, बाद में बेचेंगे। अभी के लिए नॉर्मल सामान हमने बेच दिया भाई, बहुत बढ़िया। आपने बाप पैसा आ गया, पैसे के बाद भाई नाइस। चचा तुम सब बाद में मिलेंगे। ये हमारी पर्सनल चेस्ट है जिसमें हम सामान रख सकते हैं और ले भी सकते हैं बाद में आके। अभी मैं कुछ रखना चाहूँगा इसमें, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा मुझे इसमें रखने लायक। ठीक है भाई,
अपन चल रहे हैं अब वेपन को रिपेयर करने के लिए। भाई तुम सभी मिलेंगे, अभी आके मिलेंगे, पहले मैं वेपन रिपेयर कर आऊँ। वेपन्स द रिपेयर्स टेक्नीशियन वेपन रिपेयर करता और टेक्नीशियंस द वेयर्स द आर से यू टेक्नीशियंस यहीं कहीं होता भाई टेक्नीशियन। वो देख लेते हैं टेक्नीशियन कहाँ बैठा, टेक्नीशियन यहाँ बैठा हुआ है। इसका भी हमें एक मिशन मिला हुआ है, जो स्टार्टिंग में बंदा आया था हमारे मुंह पे ये वाला, ये हमें टेक्नीशियन का ही बता के गया था कि भाई उससे जाके मिल ले, वो तेरी गन्स वन रिपेयर कर देगा, जिस पे हमने गलती से बटन दबा दिया था। हम अंदर आए भिड़े, इसको लेस्टर बैठा बिना पैर के। हल्लू ये एक सेकंड, ए भाई चलो बहुत बढ़िया। They got all kinds of baloney to choose from. All right, come on. What have you got there? मुझे एक चीज याद आई, पहले मैं वो करना चाहूंगा फिर बाद में तुझसे बातें करेंगे। अरे हट जा भाई, मैंने क्या किया था, मैंने जब नॉर्मल अपने लिए खेल रहा था तो मैंने स्ट्रीमर मोड को डिसेबल कर दिया था। हम इसको जरा अनेबल कर दें ताकि कोई कॉपीराइट गाना ना चल जाए, साइड में रेडियो चल रहा था इसलिए मां हक्का बक्का हो गया। ये भाई तेरा रेडियो बंद कर दो भाई, इसे बंद कर दो। और बंद नहीं, अब ये तो चलाने लग गया। नहीं नहीं भाई गाने नहीं सुनने, इससे बातें करते हैं, इसे मिशन लेते हैं। और पहले तो हमारी गन को रिपेयर करो, पहले ताओ हमारी गन को रिपेयर कर दो। यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे हमारे पास ये सारी गन्स हैं और हमारे पास ये भाई जो गन है, ओ दिल पे लगी, दिल पे लगी। क्या हमें इसको रिपेयर कर लेना चाहिए? 5500 मांगता है। हमारे पास कितने हैं, हमारे पास शायद 5300 हैं। थोड़े से अगर और ले जाएंगे बट फिर हम बिल्कुल ही कंगाल हो जाएंगे यार। एक सेकेंड दो चाचा, मैं जरा एक बार कैलकुलेशन कर लूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ इस पर कितनी वो है ड्यूरेबिलिटी। ओ ये यार 30% की ड्यूरेबिलिटी है, मुझे लग रहा है वर्थ इट होगा वैसे इसको करना। चलो एक काम करते हैं, हम इसी से मिशन ले लेते हैं, जो पैसे कमाएंगे इसी से फिर उस गन को रिपेयर करा लेंगे। भाई तुम पहले मुझे ये बताओ, तुम्हारे पास मिशन है? हाँ तुम्हारे पास मिशन है, हम तुमसे पहले मिशन ले लेते हैं। I'm glad you're here. As a matter of fact, I do. A bunch of diggers who used to bring me all sorts of useful stuff have gone off the radar. I'm feeling a little uneasy about it. I'll do it. All right. अब ज्यादा सवाल नहीं पूछेंगे क्योंकि ये ज्यादा सवाल में ही अपनी कहानी बताने लग जाते हैं इतिहास। I told them to stay away from that tunnel. I knew it was a bad idea. There were four of them: Max Saturday, Bedlam, Vassapunk, and Mastiff, their leader. चार बंदे जो उसके लिए काम करते थे वो घूम गए एक टनल में, कहाँ है हमें पता लगाना। चल के पता लगाते हो, पैसे कमाते हैं, आए हैं ये भी ले जाएंगे क्या? इसमें टायर नहीं है, इसको नहीं ले जा सकते, सेहत के लिए अच्छा नहीं है बेटे, मम्मी से बता दूंगा तेरी। एक काम करते हैं जरा चलते हैं और देख के आते हैं। चलने से पहले यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा मिशन हैं बट मैं अभी उनको लेना नहीं चाह रहा, एक टाइम पे एक एक मिशन करेंगे यार। हम वो मिल गया, हमें खाना मिल गया, थोड़ा सा थोड़ा भूख का तो करें इलाज। सर्वाइवल गेम है देखो, जो मेरा दूसरा रन चल रहा है ना उसमें मुझे खाना बहुत मिल रहा है, इस वाले रन में देखो मेरे को खाना नहीं मिल रहा। तो हर एक गेम हर एक प्ले थ्रू अलग अलग होगा भाई, हर एक प्ले थ्रू अलग होगा। सही जा रहे हैं ना, मेरे को चेक कर लेते हैं। अभी हमारे पास दो मिशन है, एक तो मिसिंग स्टॉकर जो हमारे को बार वाले ने दिया है वो यहाँ पे है, बट अभी हम इस तरफ निकल गए हैं। ओ एक स्टॉकर का हिडन स्टैश भी है, इधर जाने से पहले जरा इधर को चल दे। एक काम करते हैं पहले ये लूट के आ जाते हैं, क्योंकि भाई अपने को यहाँ माल मिलेगा और माल में स्टैश है, कुछ ना कुछ तो होगा, माइट भी हमें खाने पीने का सामान मिल जाए क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है खाने पीने के सामान की। कितनी गोलियाँ हमारे पास, 13 गोलियाँ, ज़बरदस्त। टॉस में सिर्फ 2 गोलियां रहती थी भाई। इसमें डैमेज भी दिखाता है कि कितना करती है, कोई नंबर नंबर वाइज डैमेज नहीं दिखा रहा है, सिर्फ ऐसे करके दिखा रहा है। 5 5 बार्स बने हुए आ रहे हैं। नहीं, मजा मतलब फीलिंग आ रही है कि मजे लेने वाला है कौन मुझसे, क्योंकि भाई जहां भी है। हेलो, अब ये बता तुमने कौन सी गेम में देखा हुआ ये नजारा, खतरनाक। एक काम करो सेव करो, एक्चुअल में सेव करो, इस गेम में ही है भाई, जितना ज्यादा सेव करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। हम सेव कर लेंगे और सेव करके हम आगे बढ़ेंगे।
एक बार क्विक सेव भी मार लो। क्विक सेव मारने के बाद ये है अनोमली। अनोमली में हमें जरूर मिलेगा, जरूर तो नहीं बट हाँ 90% या 80% हमें आर्टिफैक्ट मिल जाएगा। ये चमकना शुरू हो गया, दैट मीन्स आर्टिफैक्ट आस पास है भाई, आस पास। कहाँ को आया, क्या काट गया मच्छर, क्या मच्छर भी म्यूटेटेड हो गया क्या भाई, मुझे डर सा लग रहा है। ए भाई हो गया काम, हो गया काम। जहां पे ज्यादा ब्लिंक करेगा ना वहां होगा आर्टिफैक्ट। नहीं नहीं इस वाले में मुझे लग रहा है ज्यादा। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल के साथ गाइस एक और आर्टिफैक्ट, कुछ जबरदस्त आर्टिफैक्ट। क्या कहता है ये, कहां से आवाज चल गई भाई, इतना जबरदस्त आर्टिफैक्ट मिल गया। ये हमारा स्टैमिना बढ़ाता रहेगा, इंड्योरेंस हमारा बढ़ाता रहेगा, बट ये हमें थोड़ा सा म्यूटेट करता रहेगा, रेडिएशन देता रहेगा। इसको अभी हम पहनेंगे नहीं, जब हम मास्क वास्क खरीद लेंगे, थोड़ा बेटर गेयर खरीद लेंगे जिससे हम ज़्यादा रेडिएशन से बच सकें, तब हम इसको इक्विप करूँगा। और इसे करके इक्विप करूँगा, डुन करके भागेंगे, हमारा स्टैमिना कम जाए, डिक्रीज होगा। अभी तो देखो ये शुरू हो गया भाई काम करना, लेफ्ट साइड में ये अगर यहाँ पे हो। अबे ऐसे कैसे नेट फेंक देते हो, पता के फेंका करो। कौन सा आ गया, सस्पिशियस कैसे कर दिया इसने भाई। वेलकम टू द जोन, वेलकम टू स्टॉकर। अपने पे हमला हो गया, काफी जबरदस्त हमला हुआ है। मुझे लग रहा है दो पार्टीज और, एक और कोई आ गया बचाने के लिए मुझे। आपस में भिड़ गया भाई, भिड़ गए या मेरे पीछे हैं, चटकना नहीं है हमने, बहुत आराम से खेलना है। तो रात नेट पर पड़ेगा। हाँ दो पार्टी लड़ने लग गई हैं आपस में। ए भाई अब इसे कैसे मारते हो बे, रुको थोड़ा सा ध्यान देंगे। चक्कर ये है ना रात को, ये दिखा ये भाई दिखाता, गलत टाइम पे हमने ये खोलना जरूरी है क्योंकि हमें ये वाली गन को इक्विप करना है। ए वाली इक्विप की, हमने एक बार जरा बैंडेज लगाई। इनको ये फिक्स करना पड़ेगा, ये काफी ज्यादा ग्रेनेड्स यूज करते हैं। एक तो गया, एक गया, मैं भी चटक जाता अभी। एक गया, शायद सारे चटक गए, म्यूजिक कम हुआ। अगर सारे चटके दैट मींस दो ग्रुप थे यहाँ, एक तो रात को लड़ने का यार डिसएडवांटेज। सो गाइस अब हम जा रहे हैं भाई मिशन करने के लिए, रात हो रही है, वैसे हमें दिन कर लेना चाहिए था बट नहीं, अपन चीर ऑन है और हम डरता नहीं है, हम रात को नहीं डरते बे। डरना जरूरी है यार, डरना जरूरी है भाई डरना जरूरी है। ले बेटे हो गया गड़बड़। ब्लड सकर स्लो है, मेरी गन टॉस वाली तो बहुत तेज थी भाई। हील करो पड़ी इसको पड़ी, बच गया। एक और पड़ी देख, उसी के पास नहीं जाना भाई। कहाँ है ये, देखो नहीं मैं रिलोड, अरे कितनी गोली भरेगा, मर जाएगा, चटक जाएगा।
हील कर ले, हील कर ले, हील कर ले। ओ, मिस कर गया मैंने। तुम्हारी आग। गन जाम हो गई, गन जाम हो, गन जाम हो गई क्योंकि ड्यूरेबिलिटी नहीं थी गन में। हील 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 कर सकते हैं, कर सकते हैं थोड़ा सा। समझ नहीं आ रहा कहां से आ रहा है। हो जाएगा, हो जाएगा। हील कर, हील कर। दूसरी गन निकाल, दूसरी गन निकाल, दूसरी गन निकाल। बेटी मेरा नाम बाबाड्यूक है, याद रखना। सगाई दिया है ब्लड सकर, जिसकी डेव से अभी बात चल रही है। डेव कह रहे हैं इसकी हेल्थ कम करेंगे क्योंकि इतनी गोलियां, इतनी गोलियां, वो भी इसकी शॉटगन की भाई। जबरदस्त, जबरदस्त गेम, इस पे तो बनती है भाई ये। उसी के साथ से किया। चलो भाई इसकी तो जरूरत ही। हाँ, अरे उसको तो भूल ही गए, आवाज आई थी एक की, चिरांद की। हल्लू चिरांद, बेटे हमें रिवॉर्ड दे दो। चला yes, I took care of the creature. Damn, that was a close one. Thanks for not bailing on me. Here, take this. It's not much, but it's all I've got. चलो जी, अपने को 200 दिए तूने। अब चिल्लर दे रहा भाई, तुझे तो बचाना ही नहीं चाहिए था। हम इससे why did you, हाँ इससे पूछ लेता भाई, तूने हेल्प क्यों नहीं की हमारी? I was afraid I'd run out of ammo. Ulle. You could have turned on me once you were done with that thing. I may be new around here, but I've seen some shit. My first partner ditched me and ran off, and the second one almost did me in. Turns out, there are way fewer trustworthy people in the zone than artifacts. So guys, ये दिखा रहा है zone में क्या mentality है लोगों की। मतलब ये बचाने नहीं आया मुझे, और ये कह रहा है कि मैं अपनी एमओ बचा रहा था भाई, क्योंकि तेरे को मारने के बाद वो मेरे पे आता और फिर मैं नहीं चाहता कि मैं चिटक जाऊं। हाँ भाई, मैं को तेरे से बात ही नहीं करनी भाई, जा, तूने मूड खराब कर दिया, चाकू मार दूंगा, भाग जा यहाँ से। मतलब ये मेंटालिटी है, लोग अपनी एमओ बचा रहे हैं लाइफ बचाने की जगह। तो ठीक है, हमें भी ये मेंटालिटी को सोचना पड़ेगा। अगर हम किसी को चटकाएंगे ना, तो ये चीज़ याद रखेंगे कि भाई हमारी कोई मदद करने नहीं आया, इससे भाई हम खुद ही लड़े, अकेले ही लड़े। वो तुम्हारी शॉटगन थी हमारे पास, नहीं तो लेने के देने पड़ जाते। दो मैगजीन जाती है इसमें, एक एक पूरी, दो से ज़्यादा ही जाती है। चल रही है बात, चल रही है, डेव कह रहे हैं, डेव ने सुन लिया है, डेव लोगों ने, और वो कह रहे हैं कि भाई इसके थोड़ा सा नर्व करेंगे, प्लस डे एंड नाइट की साइकिल को भी चेंज करेंगे। बहुत ही जल्दी डे एंड नाइट हो रहा है, थोड़ा सा डे लंबा करो भाई और नाइट छोटी करो। हाँ, हमें क्या करना है, मैस्टिव के ग्रुप के बारे में पता करना भाई। मैस्टिव के, ये तो ऐसी था, रैंडम था कोई चिरांद, इसको हमें बचाना भी नहीं था, ये तो फ्री फंड में बचा लिया हमने। हम तो मैस्टिव के लोगों को बचाने निकले थे ना। क्या हो गया, सॉरी गाइस। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम जा रहे हैं मैस्टिव को बचाने के लिए टनल में। टनल में मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, टनल में मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। हम ठीक है, हम वेट पे ठीक चल रहे हैं, वेट पे तो ठीक चल रहे हैं, लेकिन मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अपनी हेल्थ बढ़ाने वाला हूँ कुछ खा के। ठीक है, हमने खाना खाया क्योंकि खाने से हल्की सी हेल्थ बढ़ती है। उए, 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 के साथ ही। इस पर नो कमेंट्स। इस पर नो कमेंट्स भाई, क्या था ये ड्रामा भाई। यहाँ पे जो हुआ है, सो गाइस, ई है टॉस, ई है गोलियां और ई है चूहा जो चटक गया है। ये वो गन है जो मेरे को अच्छी लगती है। ठीक है, अब इनमें और इन गन में, दोनों में ये वाली गन अभी यूज की मैंने, ये वाली गन जबकि सस्ती है, इसको लगाओ जरा यहाँ। अब हम ये वाली गन यूज करके दिखाएंगे आपको। हम यहाँ आएंगे, हमें क्या करना है, हमें एक वो भी मिला, फ्यूज़ भी मिला है। अगर मैं देखूँ अपना बैकपैक खोल के, यार भूख पार लग रही है, खाना पे खाना खाए जा रहा, खाना और पानी पी लो भाई। उसी के साथ ये पानी है ना जो हमने पिया, बियर पी ली भाई, पानी पीना था, पानी इधर था।
एक काम करो, पानी भी पी लो एक। और पानी पीने के साथ मैं ये दिखाना चाह रहा था, ये फ्यूज़ मिला भाई अपने को, और फ्यूज़ लगाएंगे तो लाइट वाइट आ जाएगी। एक बार थोड़ा फ्यूज़ लगा दो, फ्यूज़ लगाओ। फ्यूज़ लगाया। ये वो टनल है जिस पे हमें मैस्टिफ को ढूंढने के लिए भेजा गया है। आए हैं, सब कुछ लूट के जाओगे। एक बार ज़रा चेक कर लेते हैं, यहाँ पे टुक आवाज़ आई, दैट मीन्स कि क्या तुम्हारे पास यहाँ आर्टिफैक्ट है क्या? नहीं, आर्टिफैक्ट नहीं है, हमारे डिटेक्टर में नहीं दिखा रहा। तो डिटेक्टर में अगर दिखा नहीं रहा, कुछ रह तो नहीं गया वहाँ। सही है, अपन यहाँ आ गए। ए भाई, गोली 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 गोली, आजा 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 आजा। चलो जी, इन लोगों को चटका, इन दोनों को चटकाने के साथ और भी है क्या भाई? लोग पड़े हुए चटके हुए, लोग पड़े हैं चटके। यही चीज देखने के लिए किया था। ये लाल है, लाल नहीं चाहिए भाई। लाल फ्री फंड में हम वो कर रहे हैं, अपना वेट बढ़ा रहे हैं। भाई साहब, ये क्या ड्रामा है, ये क्या ड्रामा। ये पड़ा है मैक्स, चार में से एक लौंडा मिल गया हमें, इसको जरा हील कर देते हैं मैक्स को। हाँ भाई मैक्स, क्या सीन है? अब बात कर लिया हमसे, सिगरेट जला रहा है खड़े होके। लेंस ने भेजा हमें, हमारा टेक्नीशियन जो है। I'm glad he still cares. You gotta help me, man. Rescue Mastiff. That monolithian killed everybody, then took Mastiff away. Monolithian, ठीक है भाई, I will help you भाई. Sure, I can help. Do you know where the monolithian took Mastiff? He's gotta be in the cursed apartment building. There's a lot of nasty rumors about that place. Here, I marked it on your PDA. Good luck, man. ठीक है, हमें लोकेशन मिल गई। प्लस एक बार जरा ऐसे पूछ लेते हैं, अगर ये बताएगा कि मोनोलिथियन क्या है भाई, बात ही करने को तैयार नहीं है अगला। ठीक है जी, हमें एक काम करना है, अब वहां पे चलते हैं। खुल जा सिम, सिम तो खोल दिया, लेकिन एक बार जरा दिखाओ यहाँ पे कुछ है। रिस्क नहीं लेंगे, सही है, क्लियर। अपन बाहर आए, बाहर आने के साथ साथ धीरे धीरे एयर की रोशनी भी हो रही है। मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ, एक बार जरा अपना टाइम देख लेते हैं पीडीए में टाइम हो रहा है रात के 3:30 हो रहे हैं, तो जल्दी ही सुबह हो जाएगी। दो चीज़ कर सकते हैं हम, लेकिन फिर आधा जाना पड़ जाएगा। मैं सोच रहा हूँ वापस चले जाऊँ, वापस चल के बेच जाऊँ यार, काफ़ी ज़्यादा सामान हो गया अपने पास, रिस्क नहीं लेना चाहता। सेव करते रहो भाई बीच बीच में। चलो एक बार चल के आते हैं, देख के आते हैं कि क्या सीन है। यार नहीं भाई, अपन दिन में करते हैं, दिन में ज़्यादा अच्छा आप लोगों को भी दिखेगा, हम दिन करके आते हैं। इसी रास्ते पे जाएंगे तो दिन हो जाएगा ना। वो दिन नहीं कर सकते, गलत को आ गए, ज़्यादा ही आगे आ गए भाई, पीछे था बेस, उस तरफ है बेस कहीं। चलो भाई अब रात को ही देखो, अपन ने कोशिश पूरी की थी अपन की, थोड़ी सी डर लगता है रात को। कुछ है जनरली ऐसी जगहों पे, कुछ ना कुछ तो होता है, मिल जाता है, बट यहाँ पे सिर्फ हमें रेडिएशन मिल रही है और कुछ नहीं मिल रहा। यहाँ कुछ नहीं है क्या तुम्हारे पास? है कुछ स्टैश वगैरह होती हैं कभी कभार, स्टैश वगैरह, लेकिन यहाँ लग नहीं रही कि कोई स्टैश है। ओ भाई कुछ ज़्यादा ही रेडिएशन हो रही है, ऐसे कैसे करते हो? सो गाइस, अगर बहुत ज़्यादा रेडिएशन हो जाती है ना, तो स्क्रीन पर ऐसे मेरे को कुछ कुछ दिख रहा है, या मुझे हो रहा भैया, लग रहा था मुझे कुछ दिख रहा,
ओके अपन ना दूसरा रास्ता ले लिया। दूसरा रास्ता लेने के साथ एक बार करो भाई, ये मत पियो, एक ये वाली पी लो, इससे हमारा रेडिएशन कम हो जाएगा। बैक टू नॉर्मल हुए और बैक टू नॉर्मल नहीं हो पाया भाई, बैक टू नॉर्मल नहीं हो पाया, इसका मतलब बहुत कम रेडिएशन कम कर रही है ये, वीक रिड्यूस कर रही है रेडिएशन। ये क्या कर रही है, रेडिएशन वाला कौन सा है एक बार चेक। यार हमारे पास ना, हमारे पास ज़्यादा अच्छे वो नहीं है कंज्यूमेबल, हमें थोड़ी सी फार्मिंग करनी पड़ेगी कंज्यूमेबल के ऊपर अगर हमें जोन में टिकना है, सर्वाइव करना है। मैस्टिव को बचा के आते हैं, फिर आगे चलते हैं भाई। अपना वो भी कम हो गया, अपना स्टैमिना भी ख़त्म होता जा रहा है, सब कुछ आज में ही ख़त्म करेगा क्या? स्टैमिना के लिए पानी पी लेंगे। सेव करो, सेव कर लिया, सेव करने के साथ क्विक सेव के साथ हम उस जगह पे आ गए यहाँ पे मैस्टिफ है भाई, भाई, भाई। और अब भाई, ओ भाई मुझे पता था तू झुंड में आएगा। और भाई इतने सारे कहां से लेके आ गए, मैं नहीं आ रहा नीचे नीचे गिर गया। कितनी गोली खाएगा, वेरी नाइस, गोलियां भी खत्म होती जा रही हैं, 15 गोली बची हैं। बाजा बे कहां चला गया, शॉट था मेरे पास, मिस कर दिया, मिस अगेंस, ये पड़ी बाहर तो निकलेगा। अरे आजा आज में, चलो एक ये चट गया, ये पीछे भी था, एक पीछे भी था भाई, ये भी चट गया। आजा बेटे, आजा बेटे, आजा बेटे, चलो भाई। जॉम्बी कुत्ते चटक गए, जॉम्बी कुत्ते चटकने के साथ साथ एक बार जरा हील कर लेते क्योंकि अपन काफी ज्यादा लो हो गए हैं और यहाँ पे काफी तगड़ी आवाज आई है। लॉक बताता है, बढ़िया है, दिन भी होता जा रहा है, वेरी नाइस। ओ एनर्जी ड्रिंक अंदर पड़ी है, अपने को चाहिए वो, ये तो हम तोड़ सकते हैं, इस ताले को तोड़ दो, मैं तोड़ दे भाई ताला। वैसे हमें गोली वेस्ट नहीं करनी थी बट मेरे को गुस्सा आ गया, और टूट ही नहीं रहा था भाई, ऐसे करके तोड़ो। इस गेम में भाई गोलियां बहुत इंपॉर्टेंट है, गोलियां बहुत सेव करके रखनी चाहिए, बट ये भी तो दिमाग खराब करता था, और पर में नहीं मिल रहे। चलो जी सब उठा लिया, सब उठा लिया, अब हम चल रहे हैं आगे। जरा मेरे को कहां बंदूक, अरे सही निकाली थी, बंदूक निकाल के रखो, रीलोड पे है, धीरे धीरे हम आगे बढ़े। ये भाई अच्छा अटक गए थे एक ही जगह अटक गए थे। Reveal the cunning plans of your enemies to us. Give us the power to avenge our foes. एक सेकंड दे दे, हाँ जी, अब बता। मेस्टिफ कह रहा है एटिक, एटिक में देखो, एटिक ऊपर। चलो एक बार तरह ऊपर देख ही आते हैं। I heard you coming. You may approach. अब बात करो। हाँ जी, बहुत सामान मिल गया भाई। एक काम करते हैं, जब बात ही कर रहे हैं तो बंदूक क्यों उसके मुंह पर रख रखी है। हेलो, व्हाट हैपेंड टू मैस्टिफ, हम इससे पूछते हैं। व्हाट डिड यू डू टू मैस्टिफ, ही वाज वाउंडेड बैडली, ही डिडंट स्टैंड अ चांस विदाउट माय हेल्प, आई टुक हिम हियर एंड ट्रीटेड हिज वाउंड्स, डोंट वरी योर फ्रेंड विल लिव, आई न्यू दिस वुड हैपन। ओ लोग आ गए। The monolith has brought us together once more. Sometimes I just want to quit.
भाई गोली चलानी शुरू कर दी भाई, ये बिल्कुल डिफरेंट हो रहा है जो मेरे दूसरे वाले प्ले थ्रू से था। ये लोग बहुत बाद में आते हैं। अच्छा, आई वॉन्ट टू हेल्प, नन ऑफ माई बिजनेस, अटैक, नॉट माई बिजनेस कर देता हूँ। The other side of the building is clear. क्योंकि भाई हम इस पे ट्रस्ट क्यों करें? वैसे कर लेना चाहिए था, अकेला है ये, पर ठीक है। अच्छा, वो उधर से एंट्री से आ गए। ये कपड़ा है, उठा लो। ज्वाइन किया हमने, ये क्या बंदूक छुपा लें, कभी हम पे ही साले वो करने लग जाए, गोली मारने लग जाए। दरवाजा खोल देते हैं, दरवाजा खुल जा सिम, और अपन निकल गए यहाँ से बाहर। भाई दूसरों के फट्टों में नहीं पड़ेंगे भाई, हम अभी नहीं पड़ रहे, मतलब अभी नहीं पड़ रहे दूसरों के उसमें, क्योंकि अपने को पता नहीं भाई कि कौन सही है कौन गलत है। अपन यहाँ बैठ के वो देखेंगे। मार साले को, ए मार, ए मार, और थोड़ा सा कवर ले ले, वापस ग्रेनेड फेंक दिया। ओ भाई भाई बिल्कुल डिफरेंट, मेरे दूसरे प्ले थ्रू में ये मर जाता है और फिर मैं इसकी गन लेके ज्वाइन करके भाग जाता हूँ। जबरदस्त, ए भाई, ए भाई मेरे पे फेंक दिया ग्रेनेड, ओ मार दिया मार दिया मार दिया, एक बचा यार, एक बचा था, मैस्टिफ मैस्टिफ कह रहा हूँ, मोनोलिथियन एक बचा था यार, गलत कर दिया तुमने। एक काम करो, सेव कर लो, सेव के बाद उठाऊंगा कभी मेरे पे हमला वमला कर दे। उसी के साथ हमने गन उठा ली, गन के साथ इसका पीडीए उठा लेते हैं। Either you descend to lies and self-pity, living among strangers as a stalker, or you come and join us as a brother. He decided nahi kar pa raha tha bechara ki acha banu ya bura banu. The gifts of the monolith will guide you through places others cannot go. Trust me, I'll send you the room. Bhai 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 bhai. Bhai se kaise hamla karta ho? Aur ab mere ko bhi aana hai hamle mein. Ye galat jagah aa gaye hum thodi si galat jagah aa gaye. लेकिन शॉट बढ़िया लिया हमने। ये भाई ये मरा नहीं, निकालेगा ऊपर से मार रहा है क्या मुझे? कोई ऐसी फीलिंग आई कि कोई ऊपर से मार रहा है, कोई एक बचावा है, कहां पे बचावा है ये समझ नहीं आ रहा। काम करो, इसको उठाओ, इसको यॉइन किया, इसको यॉइन करने के साथ साथ इधर आए, सेव किया। सेव करने के बाद हमने एक बार ज़रा अपनी एके निकाली, एके निकालने के बाद एक बार चेक किया कि यहाँ पे है ना चिरांद, चिरांद यहाँ पे है, पूरा एक आउटपोस्ट बना के बैठे हैं यार। इस चिरांद से लड़ना चाहिए अभी या नहीं? अभी नहीं लड़ रहा मैं, अभी एक काम कर रहे हैं भाई, जो जो हमने जो जो मारे हैं उनको लूटते हैं और निकलते हैं जल्दी से यहाँ से। एक बार तुम आ जाओ, बस इतना सही सामान लेके घूम रहे हो। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है पता नहीं क्यों, यहां से जल्दी से निकल जाना चाहिए, सेफ नहीं है ये एरिया, इसीलिए लग रहा था कि सेफ नहीं है। ए भाई फिर से,
किसी ने देख लिया, इसी ने देख लिया भाई, यही स्नाइपर बैठा हुआ है वहाँ, और ये स्नाइपर ठीक नहीं है अभी हमारे लिए, निकल रहे हैं यहाँ से, रोड पकड़ते हैं, रोड पकड़ के हम घर चल रहे हैं। अरे घर के चक्कर में ये कहाँ से दिख गए दो। चलो भाई एक तो गया, भागो उल्टा भागो। ये यूज करनी चाहिए जानवरों पे, जबरदस्त गन के साथ। ये कहाँ को आ गए हम, मैप देखो जल्दी से, हमें यहाँ जाना, बहुत दूर तो जाना है। मैं एक चीज सोच रहा हूँ, अब जब घूम ही रहे हैं इतने पास, तो इस वाले आउटपोस्ट को भी टेक ओवर कर ही ले, बट सामान बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन हमारे पास शायद सामान का इलाज है क्या, कोई इंड्योरेंस बढ़ाएगा। इसको पहन के रखते हैं, बट इससे फिर रेडिएशन बढ़ेगी। मैं सोच रहा हूँ इस वाले को भी चटका दूं जो आउटपोस्ट है। एक काम करते हैं भाई, आप सबसे लेते हैं अलविदा, और कल के एपिसोड में इस वाले आउटपोस्ट से लूटेंगे, और ये सारी की सारी लूट हमें बहुत ही अमीर कर देगी भाई। हमारे पास वैसे बहुत सारी लूट है, हमें पता नहीं हमें ग्रीडी बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, ये आप लोग मुझे बताओगे क्या। हम आप एक सेकंड रुको भाई, पहले तो इसमें से ये निकाल के इसको फेंक दो, इसमें से भी ये निकाल के दोनों फेंक दो, ये अभी उठाई है ना हमने, हाँ दोनों फेंक दे भाई, ड्रॉप ऑल कर दो, इसको भी ज़रा, हाँ इसको भी ड्रॉप ऑल कर दो, ताकि हमारे पास थोड़ा सांस लेने लायक तो बने। लाल वैसे भी हम बेच नहीं सकते, हम पीली बेच सकते हैं। अब आई से कैसे देख रहे हो भाई, तेरे को चटका देंगे यहीं पर, है तू मेरे स्नाइपर। सो गाइस आप लोगों बताओ मुझे कि अब हमें वापस बेस जाना चाहिए और अपना सामान बेचना चाहिए, या ये वाला भी आउटपोस्ट चटका दे। ओए भाई बिना गोली के मारता है मेरे को, बिना गोली के मारता है, रुको भाई वो भी रिलोड कर रहा है, दोनों ही स्नाइपर गजब के। हम पे हमला करता है, हमको जला भी देता है, दैट मींस ये जो है एरिया काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला, ज्यादा मजा आने वाला भाई। अगले एपिसोड में हम इसी से शुरुआत करेंगे, स्टार्टिंग में ही लूट लेंगे, और मुझे लग रहा है वहां पे बहुत तगड़ी गन भी मिलेगी हमें स्नाइपर की, बहुत बढ़िया। इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा भाई, आज का एपिसोड दिल से अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कर देना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना भाई, कल नो मैन्स स्काई आ जाएगी। लव यू ऑल, बाय बाय।